ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और जनमंच जैसे आयोजनों के माध्यम से घर द्वार पर जन समस्याओं का निराकरण व विभिन्न सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सदर क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है और उनका प्रयास है कि विकास कार्यों में सभी का सहयोग लेकर इसे एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, वन विद्युत जैसे जनता से सीधे जुड़े विभागों से संबंधित विभिन्न मामलों पर सार्थक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला व सदर क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार सौर ऊर्जा के माध्यम से गांव में स्ट्रीट लाइटें स्थापित हुई है और पंचायतों को नोडल एजेंसी बनाया जा रहा है। उन्होंने पंचायत प्रधानों से आह्वान किया है कि वे हिम ऊर्जा के माध्यम से संचालित इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। अनिल शर्मा ने कहा कि सदर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के रिक्त पदों को भरने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी से आग्रह किया कि पंचायती स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने तथा जन प्रतिनिधियों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार करें। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से भी आग्रह किया कि वे इस बैठक में पंचायती प्रधानों व अन्य जन प्रतिनिधियों की ओर रखे गए सुझाव का पूर्ण ब्योरा इस पर की गई कार्यवाही सहित प्रस्तुत करें और साथ ही पंचायती राज विभाग तथा शहरी निकायों से संबंधित बैठकें भी आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रदीप ठाकुर, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से अरुण शर्मा, विद्युत विभाग से मनोज पुरी, विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट। आज पंचायत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, सभी इलेक्टेड मेंबर जो हमारे सभी विधानसभा से संबंधित हैं, उनको आज पहली बार मैंने राजनीति के अंदर, ऐसे तो मैं करता था लेकिन परंतु एक पहली बार मैंने कोशिश की है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के सीधे संवाद जो है विभाग के माध्यम से करवाए जाए और विभाग जो मुझे सूचना देते हैं उन सूचनाओं के ऊपर क्या हमारे चुने प्रतिनिधि जो है उस ग्राउंड में है कि नहीं है, वास्तविक चीज़ है कि नहीं है और नई योजनाएं जो हमारे वर्तमान सरकार के माध्यम से हम आभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के और आईपीएस मंत्री जी के भी आभारी हैं कि बहुत बड़ी योजनाएं जो हमारे क्षेत्र के अंदर पीने की पानी जो लगभग 100 लीटर प्रति व्यक्ति के लिए देने का प्रावधान करने के प्रयास किया गया है, उसके अंदर बहुत सी स्कीमें जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं उनके समूह को हमने बनाने का प्रयास किया है, जहां कोटली की तरफ हमारे 7-8 पंचायतें पड़ती है, दुद्दर की तरफ पंचायतें पड़ती है, मध्यम की तरफ पंचायतें पड़ती है, इन सभी के अलग अलग से हमने DPR बनाने का प्रयास किया है।